पीएचडी में कुछ ऐसा है कि डेली जो क्लास लगाता है और रेगुलर जो रहता है, जैसा कि सर कहते हैं, आप लोगों से पूछे भी होंगे एक दो बार कि कोई ऐसा हो जिसने एक भी क्लास मिस ना की हो या जो डेली अपना काम पूरा करता है, तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता। मैं तो मतलब सुबह आए और शाम को जो ऊर्जा भर जाती थी ना, तो शाम को पूरा वर्क हो जाता था। और हमेशा ये मान के चलना, मेरे साथ जो रहते थे ना कुछ लोग, तो उनका नहीं हुआ था। जो नहीं हुआ था तो वो लोग सोच रहे थे मेरी पीओ भी नहीं निकलेगी तो मैं क्या करूँगा। इसको ऑप्शन ही मत बनाना, निकलेगी तो मेरी ही वरना किसी की नहीं निकलेगी। तो हमेशा ये मान के चलना कि मेरी ही निकलेगी वरना नहीं निकलेगी। कभी ना सोचना कि ना निकलेगी तो क्या करेंगे। ठीक है, जय। देखिए, मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो एनसीआई में जो भी इसका स्टडी मटेरियल मिलता है उसका पहले आप उसको पढ़िए, उसका कंप्लीट करिए। कई लोग हैं कि जो मतलब तुमको वहां खड़े होकर के ये सब तो बोलना है। तो इनके मन में लग रहा है वो ये बोल रहे थे, वो मार्केटिंग नहीं कराना, तुम्हारे बीच में मार्केटिंग करा क्या करना है, तुमने तो एडमिशन ले लिया, मार्केटिंग क्या करा था, वो काम ही नहीं। जो इनको बोलना है वो बोलते हैं कि ये अपना अनुभव बोल रहे हैं कि डेली आओ तो सिलेक्ट हो जाओ। इन्होंने एक ने कहा यहाँ के स्टडी मटेरियल को पहले कंप्लीट करो फिर कुछ और सोचो। कुछ लोग क्या रहते हैं कि दिमाग से भटकते हुए बच्चे रहते हैं,